ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे इज एन इंटरैक्टिव सेशन, यू ऑल नो। पहली स्लाइड लगा ली है, हाँ पहली स्लाइड लगा ली है। एनीबडी वुड लाइक टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट अ डायग्नोसिस, आई वांट अ डिस्क्रिप्शन हियर। मैंने इसको सेशन को इसीलिए पहले भी खत्म कर दिया कि आई सी ओनली 3 or 4 पर्सन रिस्पॉन्डिंग। अगर ऐसे ही होगा ना तो मैं आइंदा क्लिनिकल स्लाइड सेशन नहीं लूंगा। अगर आप लोग यही है ना कि रिलैक्स एंड एंजॉय एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, अगर इस तरह से स्लाइड सेशन कराना है तो दिस विल नेवर हैपन अगेन विद मी। अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दिस एक्सरसाइज इज यूजलेस। No, no, और जो बंदा एक दफा बोलेगा अगर दोबारा नहीं बोलेगा वो। ठीक है सर, मैं बोलूं? डॉक्टर फैजा फ्रॉम फैसलाबाद। ओके बिस्मिल्लाह। ठीक है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर फाइंडिंग्स पहले बोलिए सिर्फ। जी प्लीज फाइंडिंग बताओ, मतलब व्हाट व्हाट व्हाट, इसको डिस्क्राइब करो लीजेंस को ना। ठीक है, मल्टीपल एरिथेमेटस पेप्यूल in the pit of nose as well as the auricular area of the face. Nose pe kya kaha aapne? Nose pe nahi, pinna aur auricular pe kaha hai, external Achha. External ear pe. Theek hai, there are multiple erythematous nodules and nodules with nodules and nodules involving the external ear as well as the auricular area of the face. थोड़ी सी क्रस्टिंग है और यहाँ पे क्रस्ट भी है, ग्लिस्टिंग और क्या है सर, शाइनी से भी स्केलिंग। स्केलिंग, अच्छा क्रस्टिंग और स्केलिंग दोनों का मतलब क्या है अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लीजेंड में? लेकिन उसमें एक्यूट एक्सर्बेशन हो रही है, किसी भी वजह से एक्यूट एक्सर्बेशन हो रही है उसके अंदर, बिकॉज उसमें इरोडेड एरियाज और ऊजी एरियाज भी हैं। सो इट इज नॉट टोटली डॉर्मेंट क्रॉनिक लिजन, इट इज एन एक्टिव लिजन। अच्छा तो आप कौन बोल रहे थे? फिजा बोल रहे थे? हाँ फिजा, अच्छा so what is your diagnosis sir? My I would like to give my differentials. Okay sir, my differentials will be relapsing polychondritis. Relapsing polychondritis, acha. Relapsing polychondritis is inflammatory condition of the cartilage. Theek hai, इसमें जो चीज डिस्क्राइब है ना वो ये है कि द पिना वुड बी ब्राइट रेड हॉट एंड इंड्यूरेटेड, और जो लोब्यूल है ना पिना का, दैट वुड बी अनइन्वॉल्व्ड, क्योंकि लोब्यूल के अंदर कार्टिलेज नहीं होती, कार्टिलेज इसके ऊपर ऊपर होती है। तो जो रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस में जो पिना की इन्वॉल्वमेंट होगी तो सारा का सारा पिना जो है ना वो बिल्कुल इन्फ्लेम्ड होगा सेलुलाइटिस की तरह से, लेकिन ये जो लोब्यूल है ना ये लोब्यूल स्पेयर्ड होगा। सर एंजियो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया विद एजेनोफिलिया, ये कौन बोला? सिंबल सर, डॉक्टर सिंबल। एंजियो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया विद एजेनोफिलिया, ये क्यों कहा आपने इतना बड़ा सा डायग्नोसिस? सर सर एक तो साइट जो है वो टिपिकल है और फिर पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूमर, इज इट एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इट्स एन इन्फेक्शन, क्या चीज है ये? सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर।
सॉफ्ट टिश्यू. अच्छा सॉफ्ट टिश्यू. सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेसल, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स. अच्छा मेलिग्नेंट और बिनाइन. बिनाइन. सुंबल ये सुंबल कहाँ गायब हो गई? सुंबल मैं सुंबल से पूछ रहा हूँ. मैं ही बता रही हूँ बिनाइन है. बिनाइन. अच्छा ठीक है. अच्छा चलो और इसके अलावा व्हाट एल्स? व्हाट एल्स सर? गाउट सर. गाउट. गाउट का ये साइट है गाउटिया टोफाई की. गाउटी टोफाई की साइट सर बंद है. इसको बन सकते हैं ओरिकल के ऊपर बन गई है एक्सटर्नल ईयर के ऊपर. व्हाई नॉट सार्कोइडोसिस सर? तो गाउटी एक मिनट. गाउटी टोफाई आमतौर पे हम फिंगर्स और टोस के ऊपर देखते हैं. दे आर स्किन कलर्ड नोड्यूल्स एंड मेनी ऑफ देम हैज चीजी लुक जैसे कि उसमें कैल्सिफिकेशन हो रही है. ट्रू कैल्सिफिकेशन गाउट में नहीं होती लेकिन जो यूरेट क्रिस्टल्स है ना वो कैल्सिफाइड लुक जरूर देते हैं. और बेसिकली स्किन कलर्ड पेप्यूल और नोड्यूल होते हैं विच गिव अ लुक जैसे कैल्सिफिकेशन हो रही है जिस तरह कैल्सिनोसिस क्यूटिस में होता है. तो गाउटी टोफाई की तो ये मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है. हो सकता है कि गाउटी टोफाई और साइड्स पे भी हो जाएं फिंगर और टोस के अलावा लेकिन दैट वुड बी अ वेरी रेयर हैपनिंग कि अगर वो वहां पे हो रहे हैं और फिंगर और टोस पे नहीं हो रहे उनके अलावा कहीं हो जाएं तो चलो बात कोई बनती है लेकिन अदरवाइज रेयर है. लेकिन एज फार एज डिफरेंशियल अमंग द स्किन कलर्ड नोड्यूल्स इज कंसर्न स्किन कलर्ड यहाँ पे the nodules are not skin colored, they are erythematous nodules. Basillary angiomatosis. Yes, basillary angiomatosis. Sir, chondrodermatitis nodularis. एक मिनट नहीं, नहीं, नहीं. Basillary angiomatosis किसने कहा है? Sir, doctor. अच्छा आपने बोला. आसिया. आयशा. अफशां. अफशां ने कहा है? Basillary angiomatosis क्या होता है अफशां? सर बस बैक्टीरियल है. कौन सा बैक्टीरिया? बार्टोनेला स्पीसी. बार्टोनेला किस ग्रुप के? बार्टोनेला हेंसले. बार्टोनेला हेंसले. बार्टोनेला किस ग्रुप के? हेंसले और क्विंटाना. हाँ क्विंटाना. बार्टोनेला किस ग्रुप का बैक्टीरिया है? क्विंटाना. ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? ग्राम पॉजिटिव है. रॉड है कि स्पाइरोकीट है? ग्राम नेगेटिव. रॉड है. स्पाइरो नहीं स्पाइरोकीट. स्पाइरोकीट. स्पाइरोकीट है भाई. रॉड सर. किन कंडीशन में बैसिलरी एंजियोमेटोसिस कॉमनली होती है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सर. एचआईवी में. और इट इज वन ऑफ द केस डिफाइनिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ एचआईवी. और बैसिलरी एंजियोमेटोसिस के लीजन्स किस तरह के होते हैं? यूजुअली एरिथेमेटस स्कैटर्ड एरिथेमेटस पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स जैसे कि अभी नजर आ रहे हैं. और इसका डिफरेंस कपोसी से यह है कि कपोसी में जो लीजन्स हैं वो जरा वायलेशियस लुक के होते हैं जबकि बैसिलरी एंजियोमेटोसिस में लीजन्स जो है ना उनका एरिथेमेटस लुक होती है. और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप कपोसी भी रख सकते हैं लेकिन बिकॉज इसका लुक जो है ना वो इतनी वायलेशियस नहीं है तो इसलिए जो बैसिलरी एंजियोमेटोसिस है वो प्रेफरेबल होगा कपोसी के मुकाबले. एनीथिंग एल्स? मैक्स. मैक्स. अच्छा मैक्स यार मैक्स का जब भी कभी कि आप स्किन कलर्ड नोड्यूल्स देखें या एरिथेमेटस नोड्यूल्स देखें तो इन द एंड आप ये एक डिफरेंशियल डाल सकते हैं क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं स्किन के ऊपर किसी भी लीजन का मेटास्टेसिस आना बहुत ही ज़्यादा रेयरिटी है. बहुत ही ज़्यादा रेयरिटी. तो इसलिए ना ये शुरू शुरू में नहीं कहा करो मैक्स को ना. इसको ना अभी जिस तरह से हमने को पांच छह डिफरेंशियल कर लिए हैं तो ठीक है नाउ
वी कैन से एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये भी हो सकता है. तो एक तो मैंने कहा कि आप किसी भी स्किन कलर या एरिथेमेटस पेप्यूल और नोड्यूल में जिसमें क्रोनिसिटी का एलिमेंट हो उसमें आप मेट्स कह सकते हैं और से इट आफ्टर 4-5 डायग्नोसिस, नेवर अ फर्स्ट डायग्नोसिस, क्योंकि स्किन के ऊपर मेटास्टेसिस का आना बहुत बड़ी रेयरिटी है. आमतौर पर ये स्किन एक कॉमन साइट नहीं है मेट्स के आने. अच्छा और कुछ, कोई इन्फ्लेमेशन? सर कोई दूसरी कॉन्ड्रोडर्मेटाइटिस नोडुलैरिस अगेन कॉन्ड्रोडर्मेटाइटिस कार्टिलेज, कार्टिलेज की इन्वॉल्वमेंट यूजली एसोसिएटेड विद स्किन कलर्ड पेप्यूल और नोड्यूल. कार्टिलेज पे किस जगह पे ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक साइट के ऊपर यहाँ पे लीजन्स आर ऑन द स्किन. यस सर, ऑल्दो ऑल द साइट्स आर नॉट फेवरेबल बट यस सर. अच्छा तो आप लोगों में से कोई ग्रैनुलोमेटस नहीं सोच रहा, क्यों भला? व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग ऑफ दिस? सार्कोइडोसिस बोलो. सार्कोइडोसिस से पहले क्या चीज? माइसीटोमा? नहीं सर, एपिथेलाइड हेमेंजियोमा रख सकते हैं. हेमेंजियोमा भी तो नहीं सर, हेमेंजियोमा. हाँ हेमेंजियोमा, एपिथेलाइड हेमेंजियोमा. एपिथेलाइड हेमेंजियोमा इज एक्चुअली द अदर नेम ऑफ एंजियोलिम्फोइड हाइपरप्लासिया, इज द अदर नेम. इसका दूसरा नाम एपिथेलाइड हेमेंजियोमा है, लेकिन आप नॉर्मल हेमेंजियोमा भी कह सकते हैं, आप पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कह सकते हैं अगर मल्टीपल पीजीज हैं. लेकिन आपने इसको लीशमेनिया क्यों नहीं कहा? Cutaneous leishmaniasis. Why not? बोलो बोलो क्या क्या आर्गुमेंट है? नोड्यूलर भी होते हैं सर. एरिथमेटस कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा नहीं है? ज्यादा है या ज्यादा नहीं है सर? एरिथमेटस कंपोनेंट ज्यादा लग रहा है. देखो जो कुटेनियस लिश्मेनियसिस और सार्काइडोसिस दोनों क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, लेकिन सार्काइडोसिस का एक बहुत लो ग्रेड डिजीज है, स्लो प्रोग्रेसिव. सार्काइडोसिस में यू विल फाइंड नॉन इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमास जिनको हम नेकेड ग्रैनुलोमास कहते हैं, और एपिडर्मल इन्वॉल्वमेंट सार्काइडोसिस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है. मुझे नहीं याद कि मैंने कभी सार्काइडोसिस की बायोप्सी की रिपोर्ट करने में कभी कोई एपिडर्मल चेंजेस सिग्निफिकेंट नोटिस किए, जबकि लूपस वल्गैरिस, कुटेनियस लिश्मेनियसिस जो टिपिकल हमारे क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है स्किन के, वो एक उनका एक क्रॉनिक कोर्स तो है, लेकिन उस क्रॉनिक कोर्स में इतनी क्रॉनिसिटी नहीं है, वो रैपिडली इवॉल्विंग है, डेंस इन्फ्लेमेशन. और जब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आता है तो वो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट सिर्फ डर्मिस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, वो एपिडर्मस में भी जाता है. दैट्स वाई Both of these two diseases are associated with epidermal changes. और कई दफा आप एग्जाम में आपको स्लाइड लगाई मिलेगी लूपस वल्गैरिस की या लिश्मेनियसिस की, और आप उसका डायग्नोसिस निकाल देंगे एक्जिमा और सोरेसिस, बिकॉज अगर आप एपिडर्मस की चेंजेस पे कैरिड अवे हो गए, आप एपिडर्मस की चेंजेस से कैरिड अवे हो गए तो यू विल मिस द ग्रैनुलोमास. इसलिए मैं पहले भी मैंने ये बात कही है कि जब आपने ग्रैनुलोमा डर्मस में देख लिया तो इग्नोर द एपिडर्मल चेंज. तो इस सारी कन्वर्सेशन का लुब्बे लुबाब या नतीजा ये है कि लूपस वल्गैरिस और कुटेनियस लिश्मेनियसिस में एपिडर्मल चेंजेस होती हैं, और एपिडर्मल चेंजेस से मुराद ये कि एरिथीमा भी होगा, क्रस्टिंग भी होगी, स्केलिंग भी होगी. कुटेनियस लिश्मेनियसिस ड्राई टाइप का भी होता है जो लिश्मेनिया मेजर करता है, और वेट टाइप का भी होता है जो लिश्मेनिया ट्रॉपिका करता है. उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी. ड्राई टाइप का भी होता है जो लिश्मेनिया ट्रॉपिका करता है,
और वेट टाइप का भी होता है जो लिशमेनिया मेजर करता है, और जो ड्राई टाइप का होगा उसमें पेप्यूल्स और नोड्यूल्स होंगे, और वेट टाइप वाले में अल्सरेटेड लीजन्स होंगे। पाकिस्तान में ज्यादातर अल्सरेटेड प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन नोड्यूल की फॉर्म में आना एबनॉर्मल नहीं है, तो इसलिए लूपस वल्गैरिस वुड नॉट बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हाँ, कोई डी फंगल इन्फेक्शन और कुटेनियस लिशमिनियसिस इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है। अब हम इसका एंड करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमने डिस्कस किए, हेमेंजियो एंडोथेलियोमा और एपिथेलियोइड हेमेंजियोमा और किमुराज डिजीज, एंजियोसार्कोमा, हेमेंजियोमा, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा टू द स्किन, कपोसी सार्कोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा फेशियल, इंसेक्ट बाइट्स, ये हमने नहीं डिस्कस किया। इंसेक्ट बाइट्स, इट कुड बी अ क्रॉनिक इंसेक्ट बाइट रिएक्शन। लिम्फोसाइटोमा क्यूटस अगेन इज इंफ्लेमेटरी कंडीशन इन विच यूजली द इंसेक्ट बाइट्स, क्रॉनिक इंसेक्ट बाइट इंड्यूसेस दिस काइंड ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, अब थोड़ा सा ना एक टॉपिक इस मौके पे डिस्कस कर लेते हैं, जो वैसे डायग्नोसिस भी यही है इस स्लाइड का। एंजियोलिम्फोइड हाइपरप्लेजिया विद इयोसिनोफिलिया इज एन अनकॉमन वेसोप्रोलिफरेटिव इडियोपैथिक कंडीशन दैट मैनिफेस्ट इन एडल्ट्स एज आइसोलेटेड और ग्रुप पेप्यूल्स, प्लाक्स और नोड्यूल्स इन द स्किन ऑफ हेड एंड नेक। मोस्ट पेशेंट्स प्रेजेंट विद लीजन्स इन द स्किन ऑफ प्री ऑरिकुलर एरिया रीजन, अदर एरियाज भी हो सकते हैं लाइक स्कैल्प, नेक। While angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia shows similarity to Kimura disease, this is generally regarded as a separate entity. While angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia lesions are superficial, Kimura involves the deeper tissue such as lymph nodes, salivary gland and subcutis. So, agar dissemination to lymph nodes bhi hai aur salivary gland involvement hai aur indurated lesions hai, मतलब यही पेप्यूल्स और नोड्यूल्स थे लेकिन इसका बैकग्राउंड इंड्यूरेशन होती, तो हम इसको किमुरा डिजीज कह सकते थे। पेशेंट आल्सो हैव टिपिकली द पेरिफेरल ब्लड इयोसिनोफिलिया विद एलिवेटेड सीरम आईजीई। जो हिस्टोलॉजी है ना एंजियोलिम्फोइड हाइपरप्लेजिया विद इयोसिनोफिलिया की, इसकी दो तीन प्रोमिनेंट फीचर, तीन ये याद रखें। पहली जो प्रोमिनेंट फीचर है वो वैस्कुलर प्रोलिफरेशन, there will be numerous vascular proliferation, vessels की prominence होगी, छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ पे आपको spaces नजर आ रही हैं, ये blood vessels, और उस vascular क्योंकि basically है तो ये vasoproliferative disorder, और उसके अलावा there will be lymphoid follicles, जिस तरह से अभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना ये lymph, ये blue blue color के cells, ये lymphocytes, और lymphocytes इतने डेंस इन्फिल्ट्रेशन में मौजूद हैं कि वो जैसे कि लिम्फ नोड में लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं इस तरह से स्किन में लुक देते हैं। पहली चीज वैस्कुलर प्रोलिफरेशन, दूसरी चीज लिम्फोइड फॉलिकल फॉर्मेशन। एंजियो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, दो चीजें हो गई, एंजियो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया दो चीजें हो गई विद इयोसिनोफिलिया, दिस इज द थर्ड थिंग। अब इन लिम्फोइड फॉलिकल्स के अंदर there will be dense eosinophilic infiltration. तो ये इनकी इसकी histology का जो सारे features हैं वो इसके नाम में है, angio lymphoid hyperplasia with eosinophilia। ये सारे eosinophils नजर आ रहे हैं surrounding, मतलब intermixed with the lymphoid follicles and surrounding the blood vessels. Intralesional corticosteroids हम treatment में use करते हैं। A very promising treatment is oral propranolol. One report noted no recurrence up to 2 years after oral propranolol therapy. उस तरह से जैसे कि हम हेमेंजियोमा में देते हैं। Topical timolol, ये जो हम eye drops या lotion इस्तेमाल करते हैं उसका भी कुछ रोल हो सकता है। Local treatments include topical imiquimod, eldera, topical tacrolimus and intralesional interferon alpha 2. Systemic treatment with systemic corticosteroid, interleukin 5 antibodies and isotretinoin has been reported. यहाँ पे एक और चीज जिसका mention नहीं है और जिसको मैंने हमेशा use किया treatment में, वो cryotherapy. Cryotherapy या destructive therapies भी आप use कर सकते हैं in a treatment. Now,
दिस इज द सेकंड स्लाइड एंड लेट्स सी लेट्स हैव सम न्यू वॉइसेस जिन लोगों ने अभी डिस्कशन में हिस्सा लिया उनके अलावा Anyone? सर मैं बताऊं? बताओ बताओ पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ डॉक्टर सबा फ्रॉम पेशावर सर जी सबा को दिस पिक्चर शोज़ द हैंड्स एंड फीट ऑफ अ पर्सन एंड देयर आर सिमेट्रिकल देयर इज एक मिनट सबा पर्सन कैसा एज बताओ एडल्ट नहीं ओल्ड Important finding. अच्छा ठीक है आगे male female सबा male female female good female. observations all observations are pertinent and important. अच्छा आगे देर इज बोलो क्या कहाँ चले गए सबा सर मैं बताऊं अब कौन है शकीला जी जी मैं सर डॉक्टर शकीला चलें आप कहाँ से हैं शकीला सर मैं कराची से अच्छा चलें बताएं शकीला इतनी सभा ने बताई बात उसके बाद सभा का फोन खराब हो गया या क्या हुआ है कि ओल्ड फीमेल है और हैंड्स एंड फीट नजर आ रहे हैं आगे बताओ सर ओल्ड फीमेल हैंड्स एंड फीट द टोज शो डिस्फॉर्मेशन ऑफ द स्किन एंड देयर इज आल्सो अ बुला सीन ऑन द लेफ्ट toe on the dorsal surface of the left toe left, and there is also scab and there is also scab formation at some sites and there is post inflammatory hypopigmentation seen on the digits on the hands as well as on the feet and there is swelling of the ring finger of the right hand sausage shaped swelling of the finger ये क्या and, है शकीला सर ये स्वेलिंग लग रही है सॉसेज शेप्ड स्वेलिंग ऑफ द फिंगर है क्या मतलब ये कोई अभी शकीला एक मिनट प्लीज मुझे कोई और डिस्टर्ब ना करे ये किस किस्म की स्वेलिंग है शकीला सर ये इंड्यूरेटेड सी लग रही है क्या लग रही है इंड्यूरेशन लग रही है इंड्यूरेशन लग रही है इंड्यूरेशन तो जरा थोड़ी सी थिकेंड लुक होती है ये जरा और गौर से देखो थिकेंड लुक तो नहीं है और तुमने एक ब्लूइश इसका टेंज आ रहा है नहीं तुमने एक कुछ फाइंडिंग बताई हैं अभी इससे पहले उस फाइंडिंग में ये फाइंडिंग फिट होती है क्लोज्ड बुला कुड दिस बी अ लार्ज बुला Yes, it is a large bulla. ये कौन बोला शकीला या मदीहा सर मैंने भी बोला डॉक्टर हेरा मदीहा फ्रॉम लाहौर डॉक्टर हेरा हैदराबाद ओके ये दिस इज अ टेंस ब्लिस्टर यहाँ पे ना ये स्किन स्ट्रेच भी है और स्किन टेंस भी है दिस इज अ टेंस ब्लिस्टर ये एक फ्लैसिड ब्लिस्टर है ये इरोजन है यहाँ पे क्रस्टिंग है क्रस्टिंग भी है यहाँ पे पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन है
यहाँ पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। जब जब आप लोगों ने एक मिनट पहले मेरी बात, जब आप लोगों ने कोई भी पेशेंट देखना है शॉर्ट केस में या लॉन्ग केस में, और फिर आपने डिस्क्राइब करना है, मैंने आपको पहले भी अपने कुछ सेशंस में ये बताई थी बात कि सबसे पहले जो चीज लीजन डिफाइनिंग है ना वो पहले बताएं। इस केस में केस डिफाइनिंग फीचर इज अ ब्लिस्टर। पहले आपने टेंस और फ्लैसिड ब्लिस्टर्स के बारे में बताना है, उसके बाद आपने इरोजन्स, क्रस्टिंग और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का बताना है। अगरचे इसको उल्टा पकड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक एक अच्छा डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसमें पहले फीचर वो होना चाहिए जिससे हमने इस डिजीज के को पहले पकड़ना। तो अब जो आपको मैंने इसके फीचर बताए, नंबर एक ओल्ड एज, नंबर टू एक फीमेल, नंबर थ्री टेंस ब्लिस्टर्स हैं और फ्लैसिड ब्लिस्टर्स हैं और साथ इरोजन्स भी हैं और साथ क्रस्टिंग भी है और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर स्कारिंग नहीं है, माइलियाज नहीं है। नेल्स कैसे हैं भाई? सर स्पून शेप, कोइलोनाइकियर चलो now differentials. Pseudoporphyria. एक बात मुझे मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यू आर ऑल मूविंग टू द राइट डायरेक्शंस, क्योंकि आप वो कंडीशंस पिक कर रहे हैं कि जिसके अंदर ब्लिस्टरिंग भी है, जिसके अंदर इरोजन्स भी हैं, जिसके अंदर क्रस्टिंग भी है। सूडो पोर्फायरिया और पोर्फायरिया कुटेनिया टार्डा, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इस केस में। और आम तौर पे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों कंडीशंस को, आया कि ये सूडो पोर्फायरिया है या पोर्फायरिया कुटेनिया टार्डा है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सीरम पोर्फायरिन लेवल्स और सूडो पोर्फायरिन में सीरम पोर्फायरिन लेवल्स नॉर्मल और क्लिनिकली सेल पोर इंफिल्ट्रेट क्लिनिकली सूडो पोर्फायरिया में हाइपर प्रिकोसिस नहीं होता और सर उसमें रोटिक चेंजेस भी नहीं आती और स्क्लेरोटिक चेंजेस नहीं आती जो जो पीसीटी का फीचर है। अच्छा चलो पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा या सूडो पोर्फायरिया अगर मैनिफेस्ट करेगा तो सबसे पहले कौन सी जगह इन्वॉल्व होगी? हाथ, सन एक्सपोज साइड, फेस एंड डोर्सम ऑफ हैंड, उसके बाद हैंड, उसके बाद फीट। ठीक है, मतलब अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करें कि पहले क्या चीज, क्योंकि इट्स अ फोटो फोटोडर्मेटाइटिस, एक तरह का सन इंड्यूस डर्मेटोसिस है, तो जाहिर है फॉर अ सन इंड्यूस डर्मेटोसिस मुझे बात करने दें यार, फॉर अ सन इंड्यूस डर्मेटोसिस द टिपिकल साइट्स वुड बी फेस देन हैंड्स एंड देन फीट। अच्छा चलो मैंने फेस शो नहीं किया, इसकी वजह से हो सकता है कि मैं पोर्फायरिया कुटेनिया टार्डा या सूडो पोर्फायरिया को नंबर वन डायग्नोसिस नहीं समझ रहा। आपने किसी और ने कहा बुलस पेम्फिगोइड, एक मिनट, बुलस पेम्फिगोइड किसने कहा? सर मैंने कहा था, किसने कहा था? मैंने सर डॉक्टर मदिया फ्रॉम लाहौर। अच्छा मदिया, सर डॉक्टर मदिया फ्रॉम लाहौर। बुलस पेम्फिगोइड की एज भी ठीक है,
सेक्स में भी कोई हर्ज नहीं है. साइट क्या होती है आमतौर पे बुलस पेम्फिगोइड की? सर आमतौर पर सिर्फ ट्रंक से लियन स्टार्ट होते हैं, फिर लिम्स को इन्वॉल्व करते हैं. देखो हम आमतौर पर बुलस पेम्फिगोइड को फ्लेक्सुरल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्राइब करते हैं कि एब्डोमेन, ट्रंक और फ्लेक्सुरल डिस्ट्रीब्यूशन में. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्म्स पे या लेग्स के ऊपर आते हैं. और बुलस पेम्फिगोइड के लीजन्स हैंड्स एंड फीट पे कितने कॉमन है आने? बहुत कम. हैंड्स एंड फीट पे अगर ब्लिस्टरिंग हो रही है तो आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए? सर ईबीए मैकेनोबुलस डर्मेटोसिस. मैकेनोबुलस डर्मेटोसिस के जो अगर आपको प्राइमरीली शो किया जा रहा है एक ब्लिस्टरिंग लीजन्स ऑन हैंड्स एंड फीट, तो जो चीज जहन में आनी चाहिए. अब हो सकता है कि इन टोटल पेशेंट को देखें तो आपका डायग्नोसिस कुछ और हो जाए, लेकिन अभी एक स्लाइड लगी है. हो सकता है कि ये स्लाइड आइंदा एग्जाम के अंदर शॉर्ट केसेस भी हों, ऐसे ही शॉर्ट केसेस हों, तो आपने पेशेंट को एक स्लाइड में देखना है. अब उस स्लाइड से आपने सारा कुछ अपने जहन में डायग्नोसिस बनाना है. जो आप लोगों ने डायग्नोसिस बताए सब ठीक, लेकिन अब मैं आपको इस पे इसलिए लेकर आया कि आप ये जहन बनाएं कि वंस वी आर सीइंग अ ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस ऑन हैंड्स एंड फीट, जो पहले कंसंट्रेशन वाली है वो मैकेनोबुलस है, और पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा या सूडो पोर्फायरिया भी मैकेनोबुलस में आ सकती है, क्योंकि जो ट्रॉमा इंड्यूस्ड साइट में भी ये लीजन्स बन सकते हैं. लेकिन क्लासिकली मैकेनोबुलस डर्मेटोसिस इज ईबीए. ठीक है, और ईबीए के अगर हम ईबीए सोचें तो ईबीए के सारे फीचर्स इसके अंदर फिट होते हैं. अच्छा, अब अलावा इसके ईबीए के यू कैन आल्सो कंसीडर अदर ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस एज वेल, लाइक बुलस एसएलई, लाइक लीनियर आईजीए. सब मतलब एंड पे आएंगे, क्योंकि अभी हमें एक ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस मिल रहा है जिसमें टेंस ब्लिस्टर है. तो ये टेंस ब्लिस्टर ये शो कर रहा है कि जो ब्लिस्टरिंग है वो सब एपिडर्मल है, सब एपिडर्मल, और यहाँ पे ब्लिस्टर हटा हुआ है और उसका फ्लैसिड नजर आ रहा है, लेकिन ये टेंस ब्लिस्टर की मौजूदगी, ये भी फ्लैसिड ब्लिस्टर, ये टेंस ब्लिस्टर की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि बेसिकली जो ब्लिस्टरिंग है वो सब एपिडर्मल हो रही है. ठीक, कोई और सवाल इस स्लाइड में? हम इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं. डिफरेंशियल ईबीए माइंड में आ रहा है सर, उसको भी डिस्कस. हां बोलो, क्या क्या सर? इरिटेंट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस सर, इरिटेंट, देखो अभी बात है, इरिटेंट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस या एक्जिमा जो है ना, एक्जिमा की अपीयरेंस बिल्कुल ही एक अलग तरह की अपीयरेंस होती है. एक्जिमा इज एरिथेमेटस नंबर 1, नंबर 2 इल डिफाइंड, नंबर 3 स्केलिंग और क्रस्टिंग बोथ. ये एक्यूट एक्जिमा की बात कर रहा हूँ, जो क्रॉनिक होगा वो तो लैकेनिफाइड होगा. एक तो ये कि एक एरिथेमेटस पैच सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्केली और क्रस्टेड, इल डिफाइंड एजेस, अनलेस कि वो इरिटेंट कॉन्टैक्ट है तो उसकी एजेस बड़ी शार्प होंगी, अदरवाइज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है या और कोई डर्मेटाइटिस है तो उसकी जो एजेस हैं या बाउंड्रीज हैं वो इल डिफाइंड होंगी. यहाँ पे कहीं पे भी हमें इरिथेमेटस, स्केली, क्रस्टेड प्लाक्स नजर नहीं आ रहे एक्जिमा के. बेसिकली वी आर डीलिंग हेयर विद वेसिकोबुलस डर्मेटोसिस. तो अपनी प्रायोरिटी पहले से सेट कर लें कि आपने स्पॉन्जियोटिक एक्जिमेटस डर्मेटोसिस को पिक करना है, आपने सोरेसिफॉर्म की तरफ जाना है, लैकेनॉइड की तरफ जाना है, ग्रैनुलोमेटस की तरफ जाना है, वेस्कुलोपैथिक की तरफ जाना है, या आपने ये ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर की तरफ जाना है, ताकि आप बहके ना, आप अपने थॉट्स को कंसंट्रेट रखें एक खास फोकस के ऊपर. तो ये वही जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने डिस्कस किए ऑल द ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस. बोलो बोलो बोलो. यस सर, पर नियोसिस रख सकते हैं इस तरह क्लिनिकल पिक्चर देख के? अगर देखो मैं एग्री करता हूँ कि परनियोसिस में भी ब्लिस्टरिंग होती है,
आप लोग को स्क्रीन आ रही है? यस सर, नजर आ रही है कि नहीं? भाई सर, जी सर, जी सर, यस सर, अब आ रही है, सब कुछ गड़बड़ है, अब आ रही है। ओके, epidermolysis bullosa acquisita, it is caused by antibodies targeting type 7 collagen. ये जो मैंने histopathology के lecture लिए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि EBA के जो सबसे जो इसका EBA का जो antigen है वो type 7 collagen है, which is in the dermis, reticular dermis, और which is a major component of anchoring fibrils that connect the basement membrane to the dermal structure. The classical presentation is characterized by blisters and mild mucosal involvement and healing with dense scar primarily at trauma prone site. EBA is chronic inflammatory disease with periods of partial remission and exacerbation. Although complete remission may be achieved, long-term maintenance therapy is likely required for the disease control. और ये बात आप ध्यान में रखें कि EBA का स्टीरॉयड से रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है जितना बुलस पेम्फिकॉइड का है. That's why कई दफा हम EBA को bullous pemphigoid diagnose करके जब treatment देते हैं और treatment से response अच्छा नहीं आता तब हमें ख्याल आता है कि ये bullous pemphigoid नहीं होगा, ये EBA होगा, जब भी तो response अच्छा नहीं आ रहा और उसी वक्त हम फिर salt split भी करते हैं to confirm our diagnosis, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि EBA और बुलस पेम्फिगॉइड की इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग एक जैसी है, दोनों में लीनियर बैंड होता है आईजीजी का सब एपिडर्मल, लेकिन वो बैंड कहाँ पे लोकेटेड है ये बताने के लिए हमें सॉल्ट स्प्लिट करनी पड़ती है और सॉल्ट स्प्लिट करने के बाद जो लीनियर बैंड है वो रूफ ऑफ ब्लिस्टर में आता है बुलस पेम्फिगॉइड में और फ्लोर ऑफ ब्लिस्टर में आता है ईबीए. नाउ this is my third slide or I want fresh blood jo usko explain karega. kon bata ji sir, kon sir, baat bolo bolo, main unchi awaaz mein baat karu bachcha. Hello, sir. This is a young boy showing erythematous plaque over the left cheek. आपने आपको introduce तो कराएं पहले. Sir, the doctor Numan from Numan कहाँ से? Sir Numan. कहाँ से Numan? किस जगह से बोल रहे हो? कहाँ से हो? Sir Lahore से sir. अच्छा. अच्छा आप एक्सप्लेन करो नुमान प्लीज. लाहौर से. ओके नुमान, एक्सप्लेन करो नुमान, डिस्क्राइब करो लीजन को. यंग बॉय शोइंग यंग बॉय एरिथमेटस प्लाक ओवर द लेफ्ट चीक इन्वॉल्विंग द नेजोलेबियल फोल्ड एज वेल एज द आउटर बॉर्डर ऑफ द लिप विद सम स्केलिंग over it. अच्छा
and a few there is also I can appreciate a skin atrophied within the lesion. What you can appreciate, Noman? Skin atrophic skin. Atrophic. Acha. Or. And there's a few vesiculation along the border. Vesicular lesion. Ye inko keh rahe ho? Ji sir. You have made your life difficult. Khud hi. अपने आप ही डिफिकल्ट कर लिए लाइफ. अच्छा, अब नुमान ने आपने इन तमाम चीजों को एक डायग्नोसिस में फिट कर लो. वेजिकुलेशन जो है वो वाकई अपने आप को खतरे में डालने वाली बात है. वैसे तो अगर उसको ना डाला जाए तो फिर ल्यूपस वल्गारिस. नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आपको वेजिकुलेशन नजर आ रही है तो फिर तो आप डालेंगे ना. अगर आपको लग रहा है कि ये वेजिकुलेशन है तो फिर आपको डालना ही डालना है कि नहीं. एक टर्म यूज करते हैं हम नोमान, शाइनी पेप्यूल्स. जब शाइनी पेप्यूल्स होते हैं ना, तो जब आपका फ्लैश चलता है या आप लाइट शो करके तस्वीर खींचते हैं तो वो पेप्यूल शाइन करते हैं, और वो अक्सर आपको ना कंफ्यूज कर जाते हैं वेजिकल्स के साथ. लेकिन जब आपको कहीं पे ना कंफ्यूजन नजर आ रही हो कि ये शाइनी पेप्यूल है या वेजिकल है, तो एक लीजन को ना एक ब्रॉडली उस लीजन को गौर करो, और अगर तो उसके अंदर पेप्यूल फिट होता है तो मेक इट अ शाइनी पेप्यूल, और उसमें अगर वेजिकल फिट होता है तो फिर आप वेजिकल कहें. मतलब तेरे विम्स के ऊपर नहीं बोलना. okay, ये मतलब क्या है, आपने कह दिया अब वेजिकल के साथ इस लीजन को एक्सप्लेन कर दो, मैं मान जाऊं आप. मतलब इस ऐसे लीजन के अंदर तीन वेजिकल साइड पे लगे हुए हों तो उसको एक्सप्लेन करें. अब आप करते चले जाएं, मेरे ख्याल है कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी, हल हल नहीं होगी. अच्छा, एक और बात नुमान. आपने मुझे कहा कि देर इज एट्रोफी. मैं कहता हूं कि नहीं, देर इज नो एट्रोफी, देर इज स्कारिंग. आप बताइए कि क्या चीज सही है और क्या डिफरेंस है. सर, स्कारिंग तो अल्टीमेटली स्किन एट्रोफी को लीड नहीं कर जाएगी, अनलेस वो हाइपरट्रॉफिक ना हो. से अगेन, क्या दोबारा बोलो. सर, स्कारिंग तो अल्टीमेटली एट्रोफिक स्किन नहीं हो जाएगी अनलेस वो हाइपरट्रॉफिक फॉर्म में ना हो. तुम्हारा मतलब ये है कि हर एट्रोफिक स्किन अल्टीमेटली स्कार्ड स्किन हो जाएगी, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी सर. अच्छा, क्योंकि काफी दिन गुजर गए हैं ये क्लिनिकल स्लाइड सेशन हुए हुए, मैं शायद आपने मेरे पहले वाले सेशन अटेंड नहीं किए. स्किन एट्रोफी और स्कारिंग दो बिल्कुल अलग टर्मिनोलॉजी. स्किन एट्रोफी का मतलब है कि कोई भी ऐसी डिजीज स्किन को इन्वॉल्व कर रही है कि जिसके नतीजे में या तो एपिडर्मस थिन हो रही है, जिसको हम कहेंगे एपिडर्मल एट्रोफी, या फिर डर्मस थिन हो रहा है, जिसको हम कहेंगे डर्मल एट्रोफी. ना तो एपिडर्मस के अंदर कोई बड़ी चेंज आ रही है, ना ही डर्मस के अंदर कोई बड़ी चेंज आ रही है. सिर्फ जो चेंज आ रही है वो एपिडर्मस और डर्मस का थिन होना आ रही है. अब फॉर एग्जाम्पल, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एपिडर्मल एट्रोफी है. आपका एपिडर्मस गायब नहीं हुआ, लेकिन आपका एपिडर्मस पतला हो गया, छोटा हो गया, जिसकी वजह से आपको डर्मस की ब्लड वेसल्स नजर आ रही. कोई ऐसा डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यू का कि जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू कम बन रहा है और उसके वजह से डर्मल एट्रोफी हो रही. एट्रोफी को, और दूसरी तरफ स्कारिंग. स्कारिंग इज अ पैथोलॉजिकल टर्म विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीज फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी. स्कारिंग इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीज फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी. जब फाइब्रोब्लास्ट ओवर एक्टिव होंगे तो वो कोलेजन बनाएंगे, और कोलेजन के बंडल थिक होते चले जाएंगे. सबसे पहले तो स्कारिंग में ये होगा, ये मतलब स्कारिंग या फाइब्रोसिस के अंदर कोलेजन थिक हो जाएगा, और बाद में वो स्क्लेरोज भी हो जाएगा. और
टिपिकली हम स्कारिंग उस वक्त यूज करते हैं कि जब स्कार टिश्यू कब बनता है, स्कार टिश्यू उस वक्त बनता है कि जब एपिडर्मस कंप्लीटली डैमेज हो जाए और जो अल्सर है वो डर्मस तक पहुंच जाए। अब उस अल्सर को कवर करने के लिए कोलेजन आएगा और कोलेजन उसको कवर अप करेगा और अब बनेगा स्कार टिश्यू। और एक तरह से स्कारिंग ये जाहिर करती है कि जो भी कंडीशन थी उसने किसी टाइम फ्रेम में एपिडर्मस को डैमेज किया। अब आ जाए क्लिनिकल डिफरेंस में बिटवीन एट्रोफी एंड स्कारिंग। एट्रोफी के अंदर जो स्किन मार्किंग्स हैं वो प्रिजर्व होती है। अगर यहाँ पे स्किन मार्किंग्स हैं और मैग्निफिकेशन में देखोगे एट्रोफी में भी वैसी ही स्किन मार्किंग विदाउट इंटरप्शन एट्रोफिक स्किन में आ रही होंगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि एट्रोफिक स्किन थिंड होगी। जब आप उसको पेल्पेट करते हुए नीचे आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि स्किन में नीचे डिप्रेशन आ गया। एक और जो पेल्पेशन है वो सॉफ्ट पेल्पेशन हो रही है, हार्ड पेल्पेशन में कुछ पता नहीं चलेगा। जब आप सॉफ्टली साइड से पेल्पेट करते हुए एट्रोफिक स्किन में आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ये स्किन गिव वे कर रही है आपके प्रेशर को और स्किन आपका थंब थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है। एक तो प्रिजर्व रहती है स्किन मार्किंग, दूसरा प्रिजर्व रहते हैं हेयर फॉलिकल्स। जो हेयर ओपनिंग